हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शमशेर अली। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन के अगली कड़ी में स्टीफन रिएक्शन के बारे में। ये वीडियो स्पेशली बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए है। अगर आप जेई और नीट के एस्पायरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज ना देखें, क्योंकि हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि जेई और नीट में ज्यादातर इस केमिकल रिएक्शन से मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, और हम इस वीडियो में मैकेनिज्म की बात यानी क्रिया विधि की बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की, कि स्टीफन रिएक्शन में किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो स्टीफन रिएक्शन में एलिफैटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड का निर्माण होता है। और दूसरी बात कि ये रिएक्शन होती कैसे, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे। कहता है कि जब अल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन SnCl2 या HCl के प्रेजेंस में होता है, तो रिडक्शन के बाद सबसे पहले यहां इमीन का निर्माण होता है, और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करने पर मतलब जल अपघटन करने पर अल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह है अल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। फिर से जरा एक बार देखते हैं। कहता है कि जब अल्काइल नाइट्राइल या नाइट्राइल को SnCl2 या HCl रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में जब ये नेसेंट हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो इस रिडक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले इमीन का निर्माण होता है, और इसका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन यानी जल के साथ रिएक्शन कराने पर ये अल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टीफन रिएक्शन में किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा यानी अल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए, और फिर हम जनरल केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक की। तो चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और हम अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि आखिर कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां यह है आपका, यह है इथाइल नाइट्राइल। नाम क्या है? इथाइल नाइट्राइल। इसका रिडक्शन जब हम लोग करते हैं, तो इसका रिडक्शन करने के बाद ये देखिए, ये दो मोल है ना, पिछले रिएक्शन में हमने नहीं बताया था, दो मोल नेसेंट हाइड्रोजन है, तो एक जाता है कार्बन के पास और दूसरा आता है नाइट्रोजन के पास। तो देखना जरा बनता क्या, ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, SnCl2 या HCl के उपस्थिति में। अब जैसे ही यहां बनता है CH3 और फिर CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और उसके बाद बनता है NH। अब ये क्या है, अब ये है अल्डाइमीन। नाम क्या है इसका? अल्डाइमीन। क्लियर हो गया? अब इस अल्डाइमीन का हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। यहां आप H प्लस और फिर एक्वस भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस को, H प्लस और ऐसे एक्वस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जल अपघटन करा रहे हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिस मतलब कि उसमें अम्ल की मात्रा भी मौजूद है। तो बनाता क्या है जरा देखना, बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर H, और इसका नाम है एसिटल डिहाइड। नाम क्या है? एसिटल डिहाइड। बात क्लियर हो गई होगी? अब देखे
इसी तरीके से ये तो एलिफैटिक अल्डिहाइड बन गया, मतलब एसिटल्डिहाइड बन गया, या इसी को और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनल कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। अब हम देखते हैं एरोमेटिक के कंडीशन में, तो इनको क्या करते हैं, मिटाते हैं। और फिर आप लिख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो अब हम एसिटल्डिहाइड के बाद यानी एथेनल के बाद हम बनाने जा रहे हैं बेंजल्डिहाइड। कैसे बनेगा जरा देखते रहिए। कहता है कि जब यहां बेंजाइल नाइट्राइल, मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल नाइट्राइल, और इसको बेंजाइल, और फिर बोलेंगे नाइट्राइल। अब जरा देखिए इसका फिर से रिडक्शन, वो भी कैसा, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन अगर यहाँ, ये मैकेनिज्म नहीं है, जनरल हम बेस्ट बस आपको समझा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है भाई, SnCl2 या HCl के उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो बनाता क्या है, CH डबल बॉन्ड और फिर NH, और फिर यहां से बनाता ये। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजलडाइमीन। नाम क्या होता है, बेंजलडाइमीन। अब इस बेंजलडाइमीन का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यहां बनता है बेंजलडिहाइड। नाम क्या है इसका, बेंजलडिहाइड। और ये बेंजलडिहाइड बताता है कि ये जो बेंजलडिहाइड बन रहा है ये स्टीफन रिएक्शन के द्वारा बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले प्रोसेस में क्या आ रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, और दूसरे प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिसको हिंदी में जल अपघटन कहते हैं। तो ये अब एरोमेटिक अल्डिहाइड है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टीफन रिएक्शन से कौन कौन से अल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। अब एलिफैटिक में कौन सा, तो एसिटल्डिहाइड, और एरोमेटिक में कौन सा, तो बेंजलडिहाइड। आप दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, अवकारक का इस्तेमाल करके भी काफी आसानी से आप अलग अलग अल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो अब बताइए आपने क्या नोट डाउन किया है, समय है आपके पास, आप इसको नोट डाउन करें, कॉपी में नोट्स बनाएं, आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको रत्ती भर भी वीडियो अच्छा लगा हो, या रत्ती भर भी आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो, तो प्लीज सपोर्ट मी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दो या तीन फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शेयर करें इसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेम रिएक्शन सीरीज के साथ। लेकिन आपको बता दें कि नेम रिएक्शन सीरीज तो चल ही रहा है, अभी क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है, अभी 2009 और 10 का हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, या आप वीओ केमिस्ट्री सर्च करिए या शमशेर अली केमिस्ट्री सर्च करिए, और प्लेलिस्ट में जा करके आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।